अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरी बैक साइड पर जो ये आपको स्टेयर नजर आ रही है, ब्लैक एंड गोल्ड की है, ठीक है। तो हमारे एक सब्सक्राइबर है, व्यूअर है हमारे, उनकी मैं शुक्रिया अदा भी उनका करता हूँ कि उन्होंने मैसेज किया और खास तौर पे अपना ये रिक्वेस्ट की कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। वो घर बना रहे हैं, उन्होंने कहा ब्लैक एंड गोल्ड की एक डिटेल वीडियो बना दे, तो उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, आपके लिए भी इंशाल्लाह फायदेमंद साबित होगी। इसके अलावा मेरे एक सब्सक्राइबर है माशाल्लाह से, उकाड़ा से ताल्लुक रखने वाले, वो मेरी वीडियोज देख के आए और उन्होंने जेट ब्लैक की ये वाली जो है, ये सामने नजर आ रही है आपको, अगर मैं दिखा सकूं तो ये जेट ब्लैक की उन्होंने स्टेयर पसंद की, हमने तैयार की और उनको डिलीवर कर चुके हैं। और अब वो रिव्यू भी देंगे इंशाल्लाह लगा लेने के बाद। वो बता रहे थे कि मैं उसको लगाने के बाद साफ करके वीडियो भेजूंगा, तो इंशाल्लाह वो भी आपकी खिदमत में लेके आएंगे। फिलहाल इस सीढ़ी की मुकम्मल मालूमात देता हूँ, ये कितने की तैयार होती है नॉर्मली 18 से 20 तक, इसकी क्या क्या डिटेल होती है सारा आपको बताता हूँ। और इसके अलावा खुशकिस्मती की बात यह कि हमारे पास इस वक्त ये क्लाइंट के लिए तैयार भी हो रही है सीढ़ी, ठीक है, तो वो भी आपको दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि सिटी मार्बल्स किस तरह की क्वालिटी देता है ब्लैक एंड गोल्ड जब सीडी तैयार करता है, ठीक है। ये दोनों चीजें हो गई। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ये वीडियो ना सही लेकिन किसी और वीडियो में हो सकता है कि आपको फायदा जरूर हासिल हो कंस्ट्रक्शन के हवाले से, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ और आपको दिखाते हैं कि कैसी तैयार हो रही है, आप भी मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको ये ब्लैक एंड गोल्ड की सीढ़ी कैसी लगी। ये देखें जी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे क्लाइंट की जो है स्टेप्स तैयार हो रहे हैं, तो ये वो स्टेप्स हैं, आप देख सकते हैं इनकी फिनिश क्वालिटी वगैरह देख सकते हैं किस तरह से ये तैयार हुए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये स्टेप है और गलबन दो इधर पड़े हैं यहाँ पे। मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखें, यहाँ से साइड से मैं आपको इनकी शाइन चेक करवा रहा हूँ, ये बहुत अच्छे तरीके से फिनिश किए गए हैं स्टेप्स हमारे जो है, ठीक है। ये देखें कलर का, इसके अंदर वेरिएशन आती हैं, हमारी पूरी कोशिश होती है, डिस्प्ले में तो बहुत ज्यादा लगाया हुआ है वेरिएशन वाला, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि स्टेप और जो राइजर है वो हम एक एक तरह के कर दें, जितना भी ज्यादा एक तरह का हम कर सकते हैं वो हम लोग जरूर करते हैं। ये देखें हमारे सिटी मार्बल्स पे आप गोले की फिनिश चेक कर सकते हैं, ये देखें किस तरह का राउंड किया गया, बिल्कुल एक तरह जैसे मशीन से किया, हालांकि ये हाथ की सफाई से किया गया, लेकिन फिर भी हमने कितनी प्यारी राउंडिंग दी है इसको, और ऊपर इसके लेकर पॉलिश बेसिकली लगाई गई है, ठीक है। फर में ये पड़े हैं, इसके अंदर थोड़ी बहुत फिलिंग होती है, जैसे ये आप देख रहे हैं बैक साइड पे ये फिलिंग हुई हुई है, बैक फ्रंट दोनों साइडों पर मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग आपसे बात करूँ तो इसके फिलिंग होती है। ये वो तकोने फरमे हैं जो उनसे जहाँ से मोड़ मुड़ती है सीढ़ी, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि फरमे जो होते हैं, तो कोने फर में जिसे हम कहते हैं डायगोनल, ये वो वाले हैं, ऐसे हैं, देख सकते हैं। ये फर्मों की बैक साइड पे यानी कि ये पीसेस में गए हैं ना, क्योंकि जो बड़ा स्टेप होता है लंबा वाला, जिस तरह ये है पड़ा हुआ है, ये पीछे स्टार जेब्रा का आप देख रहे हैं, ये तो एक ही उसमें होता है, लेकिन जो उनसे फर्मे होते हैं जहां से मोड़ मुड़ रही होती है वो पीसेज में होते हैं, तो इस तरह से हम नंबर लगा देते हैं। जैसे ये दो नंबर फर्म है तो इसके दोनों तीनों पीसेज अगर तीन में बना हुआ है तो ये तीनों हमने इसके ऊपर नंबर लगा दिए ताकि मिस्त्री साहब को वहां लगाने में कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। मीनवाइल मैंने कहा अपने साथ साथ आपको फैक्ट्री का एक थोड़ा सा व्यू करवाया जाए। ये आप देख सकते हैं किस किस्म का स्टॉक पड़ा हुआ है, ये फुट में है डंडे, ये आप देख सकते हैं ये वाले, ठीक है। ये मेरे पीछे अगर आप देखें इस जगह पे मैं आपको चेक करवाऊँ तो ये कोरोना है माशाल्लाह से हमारे पास कटा हुआ, ये बादल का स्टॉक पड़ा हुआ है, ये भी इसी तरह जड़ी वरायटी में पड़ा है हमारे पास, ये सारा माल मौजूद है। ये देखिए हमारे पास ये बादल की वैरायटी इस तरह से मौजूद है, माशाल्लाह काफ़ी सामान है। आप सिटी मार्बल्स पर तशरीफ लाएं, इंशाल्लाह आपको बाहर रियायत भी मिलेगा, टाइम पर डिलीवरी भी मिलेगी और अच्छी चीज़ें फराहम की जाएंगी। तो अगर मैं बात करूं इसके साइज की, तो नॉर्मली जो इसके अंदर जो साइज हमें अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर, आप जहां से भी खरीदने जाएंगे जिस भी शहर से ताल्लुक रखते हैं, तो 3.5 फुट या 4 फुट में मैक्सिमम जो है ये नॉर्मली इसका स्टॉक अवेलेबल होता है, ठीक है। और इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये 3.5 फुट के अंदर है। फिर जो इस तरह के ये तकोने फर्मे वगैरह बनते हैं, जैसे ये आप उल्टी साइड पड़ी है इसलिए आपको ऐसा नजर आ रहा है, तो इस तरह के जो फर्मे होते हैं वो इस तरह की स्लैबों में से भी बनाए जाते हैं। जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखें ये ब्लैक एंड गोल्ड की स्लैब बड़ी सी पड़ी है, इसमें गोल्ड हिस्सा वैसे कम है लेकिन इस तरह की स्लैब्स में से बनाए जाते हैं। तो इसी तरह से ये आप इनके राइजर्स देख सकते हैं, ठीक है। डिमांड के मुताबिक चौड़ाई और लंबाई हमने सेट की हुई है इसकी, आप देख सकते हैं, ठीक है।
चौड़ा ये तकरीबन इस वक्त कह लेंगे 8 इंच के करीब है, ठीक है, लंबा उसी तरह वो जो स्टेप सामने आपको दिखाए उस तरह के स्टेप्स और कस्टमर डिमांड के मुताबिक इनको लंबाई और चौड़ाई इनकी हमने कर दी हुई है, ठीक है। ये भी बात करें, अगर थिकनेस की बात करें तो सीढ़ियां वैसे नॉर्मली जो होती हैं मार्बल की, जैसे टवीरा हो गया, सनी ग्रे हो गया और भी स्टार जेब्रा हो गया, जेट ब्लैक हो गया, बूटी सीना हो गया, जितनी भी सीढ़ियां ना उनकी ये टक्कर होती है जिसे हम देसी जुबान में कहते हैं टक्कर, ठीक है। वैसे राइजर भी से बोलते हैं, राइजर सामने जो लगता है, तो इसकी वो जो होती है वो कम थिकनेस में होती है, 4 सूतर में होती है, इससे उसका रेट भी कम हो जाता है। लेकिन अगर हम ब्लैक एंड गोल्ड में जब जाते हैं ना तो ये थोड़ा नाजुक पत्थर होता है, इसको हम सेक्शन नहीं कर सकते, ये इसी मोटाई में होता है जितनी स्टेप मोटाई में होता है, तो इसीलिए इसकी थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ जाती है। ये मैं आपको बताने का मकसद था, 2 चीजें आपको बता दी, एक साइज कौन कौन से अवेलेबल होते हैं, फर्मे किस तरह बनाए जा सकते हैं और टक्कर का जो इसके है। अब चलते हैं इसकी रेट की जाने। तो अगर मैं रेट की बात करूं ना तो ये इस वक्त जी 250 रुपए स्क्वायर फुट के हिसाब से ये सीढ़ी जो सी है हम तैयार कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह आपको इंशाल्लाह मिलेगी यहां से फिनिशिंग के अंदर, अच्छी क्वालिटी के अंदर। तो 19 स्टेप अगर इस तरह के 3.5 फुट हों और 19 ये राइजर हों सामने वाले, ठीक है, इनकी जो कीमत बनेगी वो तकरीबन 34,000 रुपए 3.5 फुट के अंदर, ठीक है जी। और फर्मों की कॉस्ट जो सी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि हर सीढ़ी में मुख्तलिफ होते हैं, किसी के अंदर फर्मे जो हैं वो 3 होते हैं, किसी में 6 होते हैं। मैं आपको ये सीधे स्टेप्स का एक आइडिया दे रहा हूँ, और बमा अगर 3 फर्मे हम काउंटर पीसीज में से बनाते हैं तो वो आपकी आइडिया मैं आपको दे देता हूँ कि वो आपकी सीढ़ी जो सी है 3 फर्मों के साथ काउंटर पीसीज के अंदर से अगर बनाई जाए, क्योंकि काउंटर पीस का थोड़ा रेट ज्यादा होता है, तो वो बनाई जाए तो उसका आपको कह लें कि 37,000 रुपए तक का बिल या 35 से 37,000 रुपए तक का आपको बिल बनेगा उसका, ठीक है जी। एक और चीज यहाँ पे आपको गाइड कर देता हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं चौड़ाई 8 इंच में की हुई है राइजर की, लेकिन आपको जो बिल लगाया गया है वो पूरे फुट का लगाया जाता है, पूरे फुट का, ठीक है। तो उसके साथ से जो पीस बचा है ना वो हम आपको उतार के दे देंगे, वो आपकी जो द्वार के साथ साथ स्कर्टिंग लगती है वो स्कर्टिंग आपकी लगेगी, तो उसमें आपका बिल काउंट नहीं होगा, मतलब एक्स्ट्रा से कोई स्कर्टिंग का बिल काउंट नहीं होगा, इसी के अंदर आपकी स्कर्टिंग भी शामिल हो जाएगी। तो ये चीजें मैंने आपको गाइड की। किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं, या नंबर हमारा स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे आपको गाइड करने की। साथ में ये आप देख लें किस तरह की सीढ़ी, एक पुराने हमारे क्लाइंट ने हमें फीडबैक दिया था सीढ़ी लगाने के बाद, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, इंशाल्लाह दुआ में याद रखिए, खुश रहें, बाज रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।